हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर का नाम है, जिसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम क्या है फ्रेंड्स? इफ इन अ क्लोज इंटरवल ए बी एफ इज डिफाइंड है, यानी कोई एक क्लोज इंटरवल है ए बी, उसमें एफ जो है डिफाइंड है किस तरह से, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, यानी ए बी में एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी यहाँ पे f जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। f a बराबर f b, यानी इन दोनों की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू a एंड f b दोनों इक्वल हैं। देन इन एन ओपन इंटरवल, तब एक ओपन इंटरवल a b में, यानी इसी के अगर a और b को हटा दिया जाए इसके इंटरवल a b, तब उसमें देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट c, एक पॉइंट ऐसा c जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे डेरिवेटिव जो है उसका जीरो हो रहा होगा। बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है हमारे पास, अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली समझे तो ये कहना चाहता है हमारे पास, सपोज कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और ये कोई फंक्शन है हमारे पास इस तरह का, और यहाँ पे जैसे एफ एफ ए है और ये एफ बी है, यहाँ पे एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है। तो ये कहना चाहता है कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे फंक्शन जो है उसकी जो वैल्यू है उसकी डेरिवेटिव जो है जीरो होगा, यानी एक तो या तो उसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू, या हो सकता है इस तरह से चले जाए फंक्शन तो एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी, या हो सकता है फंक्शन ही कॉन्स्टेंट हो। तो ये केस कहना चाहता है। अब अगर हम देखें इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है केस जब फंक्शन कॉन्स्टेंट हो, तो उसको प्रूव करते हैं। केस फर्स्ट एफ ए बराबर एफ बी बराबर एम, यानी एफ ए बराबर एफ बी बराबर एम ए और एंड फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एफ एक्स बराबर एम, यानी अब ये डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी पॉइंट पे ले लो एक्स, तो यहां से एफ डैश एक्स बराबर जीरो, यानी ए बी जो क्लोज इंटरवल जो ए बी है उसके हर पॉइंट पे वैल्यू जीरो है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हर पॉइंट पे जीरो है, तो हमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए, इसे पूछा एटलीस्ट एक पॉइंट, तो हमने तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दे दिए, तो इस तरह से ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव है जब कि फंक्शन कॉन्स्टेंट हो। अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट हो तो, अगर सपोज फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है तो उस केस में किस तरह से प्रूव करेंगे। अब फिर सपोज कि फंक्शन जो है वो एफ ए बराबर एफ बी बराबर एम है, फंक्शन जो वैल्यू है ए और बी पर तो एम है, बट एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी हमारे पास हमने माना है फंक्शन जो है एफ ए बराबर एफ बी बराबर तो एम है, बट फंक्शन एफ एक्स जो है वो इक्वल नॉट एम है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी किसी फॉर ऑल हम यहाँ फॉर ऑल कहें या हम कहें कि इसके लिए हमारे पास कम से कम एटलीस्ट एक या दो पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू एम नहीं है, वैसे हो जाएगी वो फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा मिल जाएगा जिसपे एम नहीं है वैल्यू, तो उसका मतलब जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, ये हो गया हमारे पास। अब फिर जब फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यहां पे दिया हुआ है चूंकि एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पे हो सकता है, जैसे अगर ज्योमेट्रिकली समझे, ज्योमेट्रिकली जैसे मैं बता रहा था यहां पे एफ ए है, ये एफ ए और यहां पे एफ बी है, तो फिर या तो उसका मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो इसके लिए लेट सी बिलोंग्स टू
ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी, हमने एक ऐसा कोण ले लिया जो कि इसमें है और जहां पे वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ वैल्यू दे देते हैं, उसको हम दे देते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है वो है मैक्सिमम वैल्यू। मैं इस केस में बात कर रहा हूं जब फंक्शन जो है वो इस तरह से ऊपर जा रहा हो, ये हो सकता है फंक्शन ऊपर जा रहा हो इस तरह से भी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिर्फ एक कोण चाहिए जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो। अगर एक से ज्यादा कोण मिलते हैं इस तरह से, जैसे यहां से अगर मैं कर रहा हूं यहां से इस तरह से चल रहा है तो बहुत सारे कोण मिल जाएंगे। हमें सिर्फ एक कोण चाहिए कि हमें एटलीस्ट एक कोण दिखाना है। तो हमने ले लिया कि सी बिलोंग्स टू ए बी, जहां पे डब्ल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो फ्रेंड्स यहां से अगर हम लिखना चाहें फंक्शन की वैल्यू जो W है C पर एफ सी बराबर W मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमने ले लिया यहां पे। और साथ ही हम अगर लें एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, अगर ये वैल्यू निकालना चाहें हम, तो चूंकि एफ सी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी C का हमने जो पॉइंट था C उसका एक नेबरहुड लिया, उसमें हमारे पास ये पॉइंट है सी प्लस एच, C प्लस एच पॉइंट है, तो अगर उस पॉइंट पे हम वैल्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो ये लेस देन जीरो होगी, लेस देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो यहाँ पे। और अगर इसमें हम एच का डिवाइड कर दें तो भी ये हमारे पास लेस देन जीरो होगी, क्योंकि एच ग्रेटर देन जीरो है और एच टेंड्स टू जीरो, यानी एच से जीरो से बड़ा है और एच जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, ये हो गए हमारे पास। और साथ ही हमारे पास अगर हम ये देखें एफ एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, तो चूंकि एफ सी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है तो इस कंडीशन में भी ये लेस देन जीरो होगी, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर हम इसमें माइनस एच का डिवाइड कर दें, माइनस एच का डिवाइड कर दें, और इधर भी अगर माइनस एच का डिवाइड कर दें, तो फ्रेंड्स माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस का हमने डिवाइड किया है माइनस का डिवाइड किया, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी ग्रेटर देन अपॉन माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी, ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है, और यहां पे हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहां पर भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और साथ में दिया हुआ है कि हमारे पास जो एफ था फंक्शन जो था स्टार्टिंग की जो कंडीशन थी उसमें था हमारे पास जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल था, तो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल था, यानी कि हमारे पास पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और सी जो पॉइंट है वो इंटरवल का ही पॉइंट लिया है मैंने, उस पर भी डिफरेंशिएबल है, तो यहां से हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बट ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और ये लेस देन इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल कब है, दोनों पॉसिबल कब है, जब दोनों इक्वल टू जीरो हो। तो यहां से हो गए आर एफ डैश C इक्वल टू एल एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी ये जब जीरो हो तभी दोनों कंडीशन पॉसिबल है। और हमें यही शो करना था कि अगर हमारे पास इस तरह कोई फंक्शन जो है वो जो कॉन्स्टेंट नहीं है, उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। तो इसी तरह से फिर अगर हमने ये तो मैंने मैक्सिमम लेके चेंज किया है, आप इसको मिनिमम वाला पॉइंट लेकर कर सकते हो सोल्व, और जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट मिले, एक से ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रोलर थ्योरम है उसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम और थ्योरम्स और एग्जांपल इस तरह के सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।